नगर का एकमात्र गोविंद राम तोंदी शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहां डिप्लोमा लेकर निकले छात्रों ने देश और प्रदेश में कॉलेज का नाम रोशन किया है, तो वहीं वर्तमान में ये कॉलेज अव्यवस्था के कारण अपना रुतबा खोता हुआ नजर आ रहा है। पिछले करीब 10 से 15 सालों में जमे अधिकारियों के भरोसे चल रहे इस कॉलेज में व्यवस्थाओं का सुधार तो नहीं हो पाया और मरम्मत के लिए आई राशि लैप्स हो गई। हालात ये हैं कि परिसर में घास, पेड़ और गड्ढों से ये महाविद्यालय कम और जंगल ज्यादा नजर आता है। सुबह से शाम तक खुलेआम जानवर स्वच्छंद विचरण कर इसकी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। लगभग 5 दशक से अधिक प्रदेश के ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में गिना जाने वाला पॉलिटेक्निक कॉलेज आजकल लुप्त होता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को सामने आया, जहां कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के चलते कॉलेज में एकमात्र पीने की पानी की टंकी में एक सांप मरा हुआ मिला। इसके साथ कुछ अंडे भी टंकी में पाए गए। सांप पूरी तरह से गल चुका था। गुरुवार को जल प्रदाय प्रभारी सुबह 9:30 बजे जब पानी सप्लाई के लिए पहुंचा तो उसे टंकी में मरा हुआ सांप मिला। ये बात जब कॉलेज स्टाफ और विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंची तो हड़कंप मच गया। प्रशासन ने ग्रुपों में मैसेज डालकर सभी को टंकी का पानी का उपयोग ना करने की सलाह दी। आपको बता दें कि कॉलेज परिसर में कॉलेज स्टाफ के करीब 20 परिवार निवासरत हैं। लगभग सभी इस पानी की टंकी में से सप्लाई होने वाला पानी पीते हैं, विद्यार्थी भी इसी का पानी उपयोग करते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में सांप और अंडे पानी की टंकी में दिखाई दी थी, क्या मामला था सर? हाँ, ये मुझे सूचना मिली आज सुबह ही 9:30 बजे करीब कि होद में जो है वो सांप मरा हुआ पड़ा हुआ है और जो पानी चालू करते हैं उनने सूचना दी मुझे। तो मैंने तत्काल तो ये किया है कि सबसे पहले ग्रुप के व्हाट्सएप पे मैसेज डाला कि जो भी होद से पानी सप्लाई हुआ है उसका उपयोग ना करें, और यही सूचना जो है विद्यार्थियों के जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें भी हमने डलवा दी तुरंत। और उसके बाद में यहाँ आकर के और जो सफाई कर्मचारी हैं और जो उसके प्रभारी हैं जल प्रदाय के, उनको ये कहा कि इसको तुरंत अभी खाली करके और इसकी साफ़ सफाई की जाए। सर, ये जिस तरह से एक जिंदा सांप भी उसमें नज़र आ रहा है, कुछ फ़ोटो वायरल हुए हैं, वीडियो वायरल हुए, उसमें जिंदा सांप भी नज़र आ रहा है सर, जिसे में अगर बच्चे इसका सेवन कर लेते तो एक बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती हो सकती। इसके लिए माकूल इंतजाम क्या है सर? अभी हम इसमें चारों तरफ वायर फेंसिंग करवाने की कर रहे हैं और उसमें एक जाली भी लगाई जाएगी जिससे कि आगे जो है इस प्रकार की घटना ना हो। झाड़ियाँ सर, काफ़ी झाड़ियाँ हैं। बिल्कुल, ये भी छटाई और कटाई, बिल्कुल ये झाड़ियाँ भी थोड़ी सी उसके आसपास है, उसको भी पूर्ण रूप से उसकी कटाई की जाएगी और इसको बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। आपका शुभ नाम सर? मैं GB बामन का प्राचार्य।